हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। 2 दिन से मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मेरा मन नहीं था। पता नहीं क्यों अजीब सा मुझे फील हो रहा था। वो होता है ना कि यार लॉकडाउन चल रहा है और ईलू भी घर पर नहीं है, ये भी ऑफिस चले जाते हैं, अकेले अकेले पक जाते हैं यार। कभी कभी इंसान खींच भी जाता है। तो ना वीडियो बनाने का मन था, और एक दिन का गैप करो ना किसी भी काम में तो आप नेक्स्ट डे उस काम को करने का मन ही नहीं करेगा। तो मैंने एक दिन का गैप दे लिया तो अब मेरा मन नहीं हो रहा था। तो 2 दिन नहीं की, और थोड़ा सा तबीयत डाउन थी शायद मेरी, क्योंकि मैं उठ रही थी तो हाँ मुझे वीकनेस लग रही थी, मतलब सांस उठ रही थी थोड़ी मेरी। तो बस काम सारे कर रही थी घर के, वीडियो नहीं बना रही थी। आज मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, यानी कि व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। घर के सारे काम हो चुके हैं, अभी कपड़े जो है वो भी धुल चुके हैं, हाथ से ही धो दिए, 5-7 थे, हाथ से धो दिए, उनको सुखाना है। टमाटर भी सूख चुके हैं, प्याज का पाउडर मैं बना चुकी हूँ, टमाटर सूख चुके हैं तो टमाटर का पाउडर भी बनाना है। और अब मैं आज ना नाचोस दोबारा बनाने की सोच रही हूँ, मैदे की पपड़ी। घर पर ऐसी नमकीन होनी चाहिए तो वो बनाने की सोच रही हूँ, तो वो बनाऊंगी शायद मैं आज। आज का दिन में मैं ये करूंगी मे बी। एक मेरे पास शर्ट पीस रखा है, प्लेन है बिल्कुल, मैं उसका ना टेबल कवर या तो या फिर कुशन कवर, बिल्कुल न्यू है। और ये बने बन मतलब बनवा के वाले वो पहनते नहीं, मतलब ये रेडीमेड ही पहनते हैं, तो आ जाते हैं ना तो उनको क्या करें। तो मैं सोचूँ कुशन कवर बना दूँ या तो, और उस पर पेंटिंग कर दूँ, और 5 कुशन कवर उसमें बन सकते हैं, या फिर एक टेबल का कवर बन जाएगा तो उसमें पेंटिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करती हूँ, कितना मेरे पास टाइम होता है, क्या वापस मेरी बॉडी डाउन हो जाती है, क्या रहता है, बस क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता है। बस व्लॉग स्टार्ट कर दिया, चलो देखते हैं। और ₹25 में ही बन गया है तो सही रहा है। इतना सा आप लोगे ना, 100 का या इतने का कुछ खाता है, और ये ₹25 बन गया। हाँ मेहनत थोड़ी है बट सस्ता भी पड़ता है। 4 दिन सुखाना है और उसको क्या कट करके 4 दिन सुखाना है। ये मेरे टमाटर जो है ना वो सूख चुके हैं, इनका भी अब मैं पाउडर बनाऊंगी। और बर्तन लगाने रखे वो लगाने। टमाटर का भी बन गया, तो अब मैं चिप्स वगैरह में डाल सकती हूँ, इसकी ग्रेवी ग्रेवी का प्री मिक्स बना सकती हूँ। काले चने भिगो रखे थे तो बस उनको उबलने चढ़ाती हूँ, फिर बर्तन जो हो रखे हैं काटती हूँ, तो ये शाम को बन जाएंगी। आटा लग चुका है पपड़ी का, मैदे की पपड़ी, ये चीजें डाल देती हूँ उस डब्बे में। अब थोड़ा सा मैं कुछ खाऊंगी और उसके बाद
और 10 मिनट ये रेस्ट करेगा ना आटा, फिर मैं अपनी बनाऊंगी। और नाचोस भी हो सका तो आज ही बना लूंगी। तो इसकी रेसिपी सबको ही पता है कि मैदा में नमक डालो, मोइन डालो और अजवाइन डाल दो। तो बस इसलिए मैंने प्रॉपर रेसिपी दी नहीं है। तो बस यहाँ पे पपड़ियाँ जो है वो बेल के थोड़ा सूखने दूंगी। आज नाचो उसका काम भी मुझे करना था जहाँ तक हो सका। तो बस यही सब चल रहा है अभी, और आगे भी मुझे 2-3 दिन कई तरीके की नमकीन बनाने का प्लान है। पास्ता की नमकीन भी मुझे बनानी है। तो बस यही सब अभी चलेगा। कुकिंग का मैंने बताया ना आपको, मुझे बेहद शौक है इसलिए मैं करती रहती हूँ। 50-60 तो मैंने पकड़ियाँ कर दी है। तो मैं थोड़े से मटर होते हैं ना, मटर को करूँगी। तो ये बड़ा सा बेल है, इसको कट करके तो बस तल लूँगी। और फिर इसमें मसाले, काली मिर्च पाउडर और डाल दूँगी। जैसे काजू नहीं होता है मैदे का, काजू चाट मसाला और डाल दूँ। और ये देखो इतना पसीना हो तो बीच बीच में पहुँचती जा रही। अभी राजस्थान में 9 तपा चल रहा है, ये पूरा कुर्ता चिपक गया है। अब मैं हवा खाऊंगी मतलब बिल्कुल ही पसीने पसीने, वापस से नहाना पड़ेगा तीसरी बार। तो ये सब हो गया इनने, लेकिन होल करने वो करके जाऊंगी, ब्लॉग डालूंगी। तो कल भी नहीं गया ब्लॉग, उसके बाद कुछ करूँगी। यहाँ पे ना काले चने उबल गए थे तो वो डाल के एक बार के लिए मैं इनको फ्रिज में रख लूँगी। फिर नाचोस जब मेरे तैयार हो जाएंगे ना तब मैं इसका काम करूँगी, क्योंकि खाने का काम भी मैं जल्दी ही कर लेती हूँ। तो अभी तक तो ना वो बर्तन साफ़ करने के लिए वो भाभी आ रही थी, तो फिर उनके आने से पहले भी मुझे 6 बजे से पहले मैं करके रखती थी। लेकिन अब तो मैंने हटा दिया इस महीने, क्योंकि पता नहीं हमको इलू को लेने भी जाना ही पड़ेगा इस वजह से। तो देखते हैं कब जाना हो कब नहीं, 8 जून के बाद ही सोच रहे हैं। और अभी तक इसलिए भी नहीं गए थे क्योंकि ऑफिस जाने लगे थे, तो किसी के भी संपर्क में आना भी सेफ नहीं है हमें ऐसा लगता है ना। इनको भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं और यही आपस में ये लगता है कि यार ऑफिस से बाहर जाके आ रहे हैं तो पता नहीं क्या है। तो ये इसी वजह से हम लोग ऐसा ज़्यादा जल्दी कर रहे नहीं थे। ये भी कहते हैं कि वहाँ भी मम्मी पापा हैं तुम्हारे और पूरा परिवार है, तो फिर है ना मैं जा रहा हूँ ऑफिस तो संपर्क में आना थोड़ा समय लगता है। तो देखते हैं, लेकिन अब लाना तो है ही उसे। तो और लॉकडाउन भी जो है वो 8 तारीख के बाद से थोड़ा सा छूट मिलने वाली है कि हाँ राज्य में इधर से उधर हो सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर 5 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो यहाँ पर मैंने ना ये बना लिए थे, नाचोज भी कर लिए थे, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ है ना, पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं दे चुकी हूँ। इस बार मैं नाचोज की शेप में कट नहीं कर रही हूँ, लेकिन टेस्ट वही आएगा। तो इस बार ओनली चौकोर कट कर रही हूँ, उसमें ना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है। जैसे हम ट्राइंगल शेप कट करते हैं ना, तो फिर मैंने इस बार चौकोर कट कर लिया और रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। ये देखिए ये भी हो गए हैं, 3 प्लेट के करीब हो गए हैं। और मैंने चौकोर इनको कट कर लिया ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे, तो बस खाना ही तो है, इसलिए नाचोज की शेप ना देकर ऐसी दे दी। अब मैं सोच रही हूँ क्या तो करूँ, हालत बहुत गंदी वाली हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदी वाली, पसीने नीचे तक बह गए हैं, इतना ज़्यादा 9 तपा है, चप्पल और सब में ना पसीने आ रहे हैं और पीछे से तो बिल्कुल चैंट गया। तो पहले मैंने सोचा था कि ये सब तलूँगी क्योंकि फिर से पसीने आ जाएंगे। तो अब मैं सोच रही पहले नहा ही लूँ और गाउन डाल लूँ एक बार, एक और गाउन डाल के फिर इनको तलूँ। और आज मुझे एक चीज़ ध्यान आ गया मैं पागल ही हूँ। तो अभी तो वैसे काले चने बनाने हैं, वो भी शाही तरीके से बनाऊँगी, जैसे मैंने एक बार छोले बनाए थे ना वैसे। तो एक चीज़ और याद आ गई, मतलब हो गया मेरी हिम्मत, तब तो मैं वो बना लूँगी पास्ता की। पिछले साल मैंने शायद एक बनाई थी पास्ता, होता ना मैक्रोनी की नमकीन, मतलब बाहर जो मिलते हैं पेने पास्ता और जो एल्बो वाली, उसकी बना लूँ ऐसे तल के और ऐसे चिप्स के जैसे बनते हैं ना वो। लेकिन आज मेरी बहुत मेहनत हो गई है क्योंकि ये वीडियो मैंने उतनी शूट नहीं की, लेकिन इसको करने में बहुत मेहनत लगी है। पूरी दोपहर चली गई, अब 3 के करीब बज गए होंगे। फटाफट एक बनाती हूँ फिर तलूँगी इनको, खाना बनाना है और देखते हैं। बस यहाँ पे मैं इनको ना तलने लगी थी, मैंने कहा क्योंकि फिर आधे तो तल ही लेती हूँ, आधी फिर नहा के कर लूँगी, क्योंकि वापस मैं नहा के आती हूँ और वापस उतना ही पसीना हो जाने वाला था। तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा तल लेते हैं इनको, फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद नहा लेंगे। लेकिन बीच में फिर ऐसा लगा, मतलब मटर मटर मैंने छोड़ दिए थे, बाकी और सब कुछ कर लिया था।
तो बस यहाँ पे ये तलने लगी हूँ। साथ ही में काले चने हैं जो मैं बना दूंगी, ये मैंने तेल डाला है, राई डाली है और सूखी लाल मिर्च डाली है और एक इलायची डाली है, दो काली मिर्च, दो लौंग डाल दी है, ठीक है। इनको थोड़ा सा पकने देंगे और पकने के बाद इसमें प्याज डाल दूंगी और फिर प्याज थोड़ा पकेंगे तो टमाटर वगैरह, जैसे कि मैं सारी सब्जियाँ बनाती हूँ ना तो ये हरी मिर्च डाल दी है, तो वैसे नॉर्मल जब खाते हैं तो वो अलग टेस्ट आता है, ये वाले का अलग टेस्ट आता है। और राइस के साथ हमें खाना था, आज हमने राइस सोच रखा था तो मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर पक गए तो ये मसालों का ये घोल मैंने तैयार कर लिया है बेसिक मसालों का। जब ये पक जाएंगे टमाटर प्याज तो मिक्सी में इनकी प्यूरी बना लूँगी। तो बेसिक मसालों में वही है, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और ये सब है ना, और हींग, और साथ साथ में नाचोस भी तल रहे। और मैंने कुकर, जिस कुकर में काले चने चढ़ाए थे ना, तो उसी कुकर में मैंने पानी ले लिया है, मतलब थोड़ा वो गंदा नहीं था, तो उसमें ही मैंने चावल जो है वो चढ़ाऊँगी मैं, तो खुले में पकते रहेंगे, कुकर में नहीं बनाती हूँ मैं चावल। तो जीरा राइस भी बनाती हूँ ना तो मैं खुले में पहले उनको उबालती हूँ और उसके बाद मैं घी में छोंकती हूँ, तो उस तरीके से बनाती हूँ जीरा राइस भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो यहाँ पे चावल थोड़े से धो के भिगो के रखे थे ना, वो डाल दे रही हूँ इसमें और साथ साथ में वो तलने मुलने का काम हो ही रहा है। तो शूट उतना नहीं किया है लेकिन जो टाइम लगता है ना ये खड़े होके बेलने वगैरह में, उसमें बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगता है, तो पैरों में भी काफ़ी जोर पड़ता है क्योंकि खड़े खड़े करती हूँ ना करने को, तो मैं बैठ के भी कर सकती हूँ। कई लोग बोलते हैं दीदी इतना खड़ा होके करते हो और बैठ के कर लिया करो, लेकिन वही है ना नीचे जमीन पे चीटियाँ से आ जाती है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला है, वही मसालों का घोल डाला है और ये प्यूरी जो बनाई थी ना मैंने वो डाल दी है। प्यूरी जब थोड़ी पकी तो ये काले चने डाल दिए, ये वाला पानी भी मैं डाल ही दूंगी क्योंकि थोड़ा सा रस वाला ही रखने हैं क्योंकि चावल के साथ खाने हैं। तो ये भी सही हुआ यार, आज मेरी बहुत मेहनत थी तो इन्होंने कहा कि चावल खाएंगे इसके साथ, तो मेरे लिए ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ मुझे और रोटियाँ बेलने का और थोड़ा सा आराम मिल गया। लेकिन हालांकि बेले मैंने बहुत, पपड़ी बेली मैंने, नाचोस बेले और कट की, तो ये मैंने डाल दिए काले चने और फिर कसूरी मेथी डाल दो, चाहो तो मलाई वगैरह भी आप डालो। आज मैं ना प्यूरी में वो काजू और बादाम और डालना भूल गई, उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है, तो वो मैं थोड़ा सा भूल गई थी। साथ साथ में ये तल रही थी ना तो बस ये चलती जा रही थी सब्जी। और तो यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाल दूँगी, चाहो तो डाल दो। मैं कहती हूँ ना मलाई का पाव प्यूरी और है ना मलाई को घर पे जो मलाई होती है वो करके, तो मैं थोड़ा सा सॉस डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा टेस्ट एडजस्ट हो जाता है, थोड़ा सा मीठा सापन भी आ जाता है ना। तो ये गरम मसाला डाल दिया है, साथ साथ में बीच बीच में इलू का भी वीडियो कॉल और आता रहता है तो उससे भी बात चलती रहती है बीच बीच में। तो ये पपड़ी बस अब मैं तल लूँगी पपड़ियाँ भी और फिर बीच में फिर नहा लूँगी जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी मेहनत तो जब करते हैं ना तो सच में नहा लो ना तो सारी थकान दूर हो जाती है यार। जितनी भी आप मेहनत करोगे खूब पसीना और होगा, आप बहुत थके हुए होंगे, लेकिन जब नहा लोगे ना तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो ये देखो इतने सारे नाचोज मैंने बना लिए, कुछ मैं प्याज मैगी मसाला डाल के बनाऊंगी और कुछ बिना मैगी मसाला के अचारी टेस्ट दे के इनको करूँगी। और बस ये मैंने पपड़ी डाल दी है, अब थोड़े से बचे हैं मटर जो बनाए थे ना, बस वो बचे हैं, वो भी तल लेती हूँ। तो आज का काम तो कंप्लीट, देखती हूँ रात तक, अभी तो रेस्ट करूँगी फिर रात को क्या करूँगी, हो सका तो पास्ता वाले बना लूँगी। मैं सोचती हूँ यार किसी भी दिन जाना पड़ जाए तो ईलू के लिए बना के लिए ईलू तो पसंद है ना, तो पहले भी मैंने 9 तारीख को इसीलिए 8 तारीख को बनाए थे ये, कि मैं अगर चली गई ये मेरे को ले गए तो मैं इन्हीं को खिलाऊंगी, तो बट नहीं जा पाए थे इस बार भी, पता नहीं है बस उस मोह में मैं बना देती हूँ इतनी सारी चीज़ें और फिर यहीं ख़त्म हो जाती, मैं जा ही नहीं पाती। आज बस एसी की जो है सर्विस करवाई थी, एसी की सर्विस काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, अब थोड़ा सा गर्मी हुई है ना तो थोड़ा सा हाँ इनको भी एसी की थोड़ी सी ज़रूरत लग रही है, प्लस ये कहते हैं कि अब इलू को भी लाना पड़ेगा तो उसको तो एसी बिना रखेंगे नहीं, तो फिर ये है, तो फिर एसी की सर्विस कराई। वैसे तो खुद ही कर सकते हैं लेकिन चलो हम करवा लेते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ लगता नहीं, 350 लगे थे इसके तो वो करवाए, क्योंकि पीछे ना एक चिड़िया ने घर बना रखा है तो इस वजह से हमको लग रहा था हम चलाएँ या खुद से करें तो वो भड़ाम सा कुछ नहीं बोल जाए, इस वजह से ये भैया को बुला के ये ना सर्विस वाली थी एसी की। और बस ज़्यादा मैंने फिर कुछ शूट नहीं दिखाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, फिर एसी वाले भैया आए थे और क्योंकि पूरा घर फैलता है बाथरूम से लेकर पूरा ऐसे करके, उनको पानी वगैरह सब चाहिए होता है तो बहुत सारा फैलावड़ा फैलता है तो वो साफ़ करने में भी टाइम लगता है। और आपको पता ही आज मैंने इतनी पपड़ियाँ बेली हैं कि सच में
बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई थी, आज कमर तोड़ मेहनत हो गई थी मेरी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। बस फिर रात को बस उसमें मसाले मिलाने थे ना मुझे, तो बस मैंने वो मिला के, और बाकी काम तो मैं कर ही देती हूँ, और आपको पता ही है कि मैं बाकी क्या काम करती हूँ, तो मैंने कहा सबको पता ही है क्या शूट करना। तो ये मैगी मसाला मैंने डाल दिया, ये वैसे मैं आपको पहले रेसिपी दे चुकी हूँ इसकी, नाचोज़ की। ये मैं चाट मसाला थोड़ा सा ले रही हूँ, है ना, और ये मैं अमचूर पाउडर और काली मिर्च पाउडर, है ना, इनको मिक्स कर देंगे, और आप नॉर्मल जो नमक होता है ना, और वो जो लाल मिर्ची होती है उसको भी डाल दो, है ना। तो बस ये बहुत अच्छा बाजार जैसे तैयार हो जाएंगे। मेरे पास टमाटर का पाउडर भी हो गया था अब तो, मैं कई लोग पूछे क्या यूज़ होता है दीदी टमाटर के पाउडर का, आप चिप्स वगैरह घर पे बना के उस पे डाल सकते हो, आप सूप का प्री मिक्स बना सकते हो, आप ग्रेवी का प्री मिक्स बना सकते हो, और उसी एक ग्रेवी से आप ढेर सारी सब्जियाँ बना सकते हो, आलू टमाटर मटर पनीर कितनी ही ग्रेवियाँ, शाही पनीर और कुछ भी बना लो उससे। फिर ये ऊपर से और पाउडर डाल दिया और बस इसको मिक्स करके रख दूँगी। तो इन पाउडर्स का ना ये यूज़ है, चाहे लहसुन का हुआ चाहे प्याज का हुआ, आप मैगी मसाला भी बना सकते हो इनसे। इसलिए तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, चलो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, बाय बाय।